हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको गंजेपन से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी और साथ ही एक ऐसा जादुई नुस्खा बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप गंजेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपने लंबे घने मजबूत बाल पा सकते हैं। दोस्तों, गंजापन यानी एलोपेशिया ये तीन प्रकार के होते हैं। एक एंटोजेनिक एलोपेशिया, जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होते हैं। ये आंशिक रूप से या फिर पूरा गंजा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर के बीच हिस्से से स्टार्ट होकर कानों के साइड और पीछे के साइड की ओर उतरते जाते हैं। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसके होने से आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इससे आपको गंजेपन का सामना करना पड़ता है। दूसरा है एलोपेशिया एरिडोक। ये कहीं कहीं बाल कम होने की समस्या है। ये लगभग हर किसी को होता है, लेकिन ये महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। इससे आप बाल आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता देख सकते हैं, लेकिन ये किसी एक स्थान पर बालों को कम नहीं करता। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप सही से खान पान नहीं करते हैं या फिर आप ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं। इसके अलावा है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये बाल के स्टाइल की वजह से हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक एक ही स्टाइल का हेयर स्टाइल रखते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना निश्चित है। दोस्तों, ये आपके बालों की खिंचाई की वजह से होता है। अगर आप लंबी चोटी करते हैं या एक ही तरह का हेयर स्टाइल करते हैं तो इससे आपके बाल कमजोर हो जाते हैं और खिंचाव की वजह से झड़ने लगते हैं और इसकी वजह से आपको गंजेपन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में हार्मोन की कमी है, आप बीमार हैं या फिर अनुवांशिकता की वजह से भी आपको गंजेपन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है या फिर आपकी बढ़ती उम्र है तो इससे भी आपके बाल झड़ते, टूटते और सफेद होते हैं। अगर आपको कोई वायरल बुखार है या लंबे समय से बुखार है, कैंसर है या फिर आप किसी चीज का इलाज करवा रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी, या फिर आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए है, या फिर आपको शारीरिक तनाव है तो इससे आपको गंजेपन का सामना करना पड़ सकता है और आपके बाल बहुत जल्द झड़ते हैं। दोस्तों, तेजी से बाल झड़ने की वजह से नए बाल जल्दी नहीं उग पाते हैं जिसकी वजह से आपको गंजेपन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाल बिल्कुल भी नहीं उगते हैं। ये तेजी से बाल झड़ने की वजह से आपके नए बाल कमजोर यानी कि पतले उगते हैं जिसकी वजह से आपके सर पे बाल कम नजर आते हैं और आपको गंजेपन का शिकार भी होना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके इस्तेमाल से आप गंजेपन यानी एलोपेशिया से छुटकारा पाते हैं। साथ ही आपको मैं आज बताऊंगी ऐसा जादुई नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप बस कुछ ही दिनों में अपने लंबे, घने, मजबूत और काले बाल पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए मेहंदी और आंवला। मेहंदी और आंवला को समान मात्रा में मिलाकर अच्छी तरह कूटकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे अपने बालों पर अच्छी तरह लगाकर कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसे कोई भी आयुर्वेदिक या फिर अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। इस पैक के इस्तेमाल से आपके बाल शाइनियर हो जाएंगे और आपको डैंड्रफ की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये आपके कमजोर बालों को मजबूत करता है जिसकी वजह से आपको गंजेपन का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों, आप शंख पुष्पी के तेल से नियमित रूप से अपने सर की मालिश करते हैं तो इससे आपके झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं। आपके बालों की जड़ों में बहुत ही पोषक तत्व मिलता है जिसकी वजह से वो मजबूत हो जाते हैं और वो जल्दी झड़ते नहीं। साथ ही आपके बालों में बहुत ही अच्छा कारगर रिजल्ट भी देता है ये शंख पुष्पी का तेल। ये आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत करता है, साथ ही आपके सर पे नए बाल उगाने में आपकी मदद करता है।
इसके नियमित उपचार से आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है और आपको कभी भी गंजेपन का सामना नहीं करना पड़ता। भृंगराज के तेल से अगर आप नियमित रूप से अपने सर की मालिश करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। दोस्तों, भृंगराज को वंडर मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ये बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके सर के डैंड्रफ यानी कि रूसी को भी खत्म कर देता है, बालों का टूटना रोक देता है, बालों को मजबूत करता है और साथ ही बालों को तेजी से लंबा करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप शिकाकाय और आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए शिकाकाय और आंवले को समान मात्रा में लेकर कूट लें और रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे छानकर इस पानी से अपने सर की मसाज करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत जल्द अपने झड़ते बालों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप शिकाकाय और आंवले के पानी से सर को साफ करते हैं या मालिश करते हैं तो इससे आपके बाल काले, घने और लंबे होते हैं। इसके उपयोग से अगर किन्हीं को सफेद बाल की समस्या है तो वो भी इसके इस्तेमाल से अपने सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पाते हैं और लंबे समय तक काले, घने, लंबे बाल पा सकते हैं। नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल और नींबू के मालिश से भी आप बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल को समान मात्रा में लेकर मिक्स कर ले और इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला ले और इसे अच्छी तरह अपने सर पर मालिश करें। इसके बाद आप कम से कम 3 मिनट के लिए गर्म तौलिए को अपने सर से कवर करके यानी अपने बालों को 3 मिनट के लिए तौलिए यानी गर्म तौलिए में लपेट कर छोड़ दें। इसके उपयोग से आप अपने नए बालों को आता देख सकते हैं और बालों का झड़ना और टूटना भी रोक सकते हैं। मेथी पाउडर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मेथी के दाने को कूट कर पाउडर बना लें। अब इसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने सर पर लगाकर छोड़ दें। इसे करीब आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप ऐसा हफ्ते में 2 बार करते हैं तो इससे आपके बाल चमकदार हो जाते हैं और साथ ही बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। अमर बेल को पानी में तब तक बॉईल करें जब तक पानी आधा ना हो जाए और इसके बाद इसे तब तक बॉईल करें जब तक ये अमर बेल अच्छी तरह पानी में घुल ना जाए। अब इस पानी से अगले दिन सुबह आप वॉश कर सकते हैं अपने बालों को। अगर आप इस पानी से वॉश करते हैं तो आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और बहुत ही चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण और लौ भस्म को मिलाकर अगर रोजाना खाते हैं तो इससे भी आपको बाल के झड़ने की समस्या से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वो जादुई नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप बस 1 हफ्ते में अपने बालों को लंबा, घना कर सकते हैं और झड़ते बालों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए अंडे की जर्दी, आधा केला, 100 ml बियर, आधा चम्मच शहद। अब इन सब को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना ले। आप चाहे तो इसमें आप मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह पेस्ट बनाकर अपने सर पर लगाकर किसी भी प्लास्टिक से कवर कर लें और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए काम करने के लिए छोड़ दें। फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक या अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। इसे आप हफ्ते में 1 बार करें। ऐसा करने से आप अपने झड़ते बालों को रोक सकते हैं और नए बालों को आता देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यह आपके बालों को लंबा करने में बहुत मदद करता है, आपके बालों को घना करता है और बहुत ही चमकदार बनाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। घरेलू नुस्खे से आप अपने गंजेपन को दूर कर सकते हैं और जादुई नुस्खे से बालों का गंजापन हमेशा के लिए रोक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही इन नुस्खों के उपाय से अपने बालों का झड़ना रोकेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।